नमस्कार एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। रुको। देखो ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और ये धक्के देकर मुझे भगा रहे हैं। ये देखिए पूनम भारद्वाज, इनकी शक्ल देखिए, लाइव हो गया। ठीक है पूनम भारद्वाज, ये पूनम भारद्वाज के दफ्तर में इनकी बाइक लेने आए थे और यहाँ पर देखिए इन्होंने गालियां दी है पत्रकार को और गालियां देने के बाद बाहर धक्के देकर भगाया है इन्होंने। ये देखिए राजनगर वार्ड 134 में 17 फरवरी को इंडिया टाइम 24 न्यूज के रिपोर्टर प्रवीण सोलंकी के साथ मारपीट गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। दादादेव मंदिर के सामने बाजार वाले हड़ताल कर रहे हैं। जब इस मामले को जानने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए प्रवीण सोलंकी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो उनके साथ ये धक्का मुक्की की गई। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय पार्षद बाजार नहीं लगने देना चाहता, वो खुद उस बाजार से उगाही करना चाहता है। प्रवीण सोलंकी कैमरामैन प्रदीप के साथ आपकी पार्षद पूनम सुरेंद्र भारद्वाज के ऑफिस पहुंचे इस सिलसिले में बातचीत करने, जहां पार्षद के पति सुरेंद्र भारद्वाज ने रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की, गाली गलौज भी किया। इतना ही नहीं अपने लोगों से पिटवाने की धमकी भी दी, हेलमेट भी छीन लिया गया। आप ये वीडियो देखें। जो शुरू में स्टार्ट किया था मेरे पिताजी ने, किया था सन 1987 में बाजार स्टार्ट होने का, जहाँ से थोड़े बहुत दुकानदार थे, धीरे धीरे दुकानदार बढ़ते गए, पब्लिक बढ़ती गई। ठीक है बाद में एक दिक्कत आई चौक की, अभी कुछ टाइम पहले, लगभग साल भर पहले चौक की दिक्कत आई, थोड़ा सा ट्रैफिक क्लोज हो रहा था। इसके लिए हमने यहाँ से चार दुकानें, वहाँ से 7-8 दुकानें हटवा दी गई। ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई एक बंदा ये नहीं कह सकता कि इसके इनके ये इनका MCD जो कह रही है कि ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक स्मूथ करा दिया। आज नई प्रॉब्लम जो आगे खड़ी हुई है, ये लाइन लगेगी और ये लाइन नहीं लगेगी। 35 साल से ये लाइन भी लग रही है और ये लाइन भी लग रही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। पर MCD का अपना एक मुद्दा है कि इस लाइन से प्रॉब्लम नहीं है, इस लाइन से प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम लाइन से नहीं है, प्रॉब्लम है पार्टी से। जो अब सत्ता में पार्टी आई है वो ये कह रहे हैं, यहाँ का लोकल निगम पार्षद, मैं प्रॉपर पार्टी की बात नहीं कर, लोकल निगम पार्षद, वो क्या चाहता है कि बाजार का पैसा जेब में। मतलब अभी बंदा कोई पैसे नहीं देता, MCD पर्ची कटवाता है, अपना काम खत्म। इनके पास वो लोकल बंदा है, वो भी प्रधान, विजय गुप्ता नाम है उसका, लोग सामने बोल रहा हूँ, विजय गुप्ता नाम है उनका। क्या मतलब है, मोटिव क्या है, गरीब आदमी आया दबा ले भाई दोस्त। तो ये लोग उगाही भी कर रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, फिर भी बाजार नहीं लगा, बाजार नहीं लगाने दे रहे। हम मेरे को ये देख ले, 85 बाजार लगा रहा हूँ, आज उम्र पूरी हो ली, अब तक बाजार यहीं लगाता रहा, कितने हो गए, कोई कमाई नहीं, बाजार की दो रोटी है नहीं, कमाना खाना है, अब यहीं लगाने देंगे कहाँ से कमाएंगे, कोई नौकरी पैसा है हमारे कुछ नहीं है। भारद्वाज, पूनम भारद्वाज, हाँ जी। और भाई पूरा मामला यह है, बाजारों को नहीं लगने दे रहे, परेशान कर रहे हैं, कहाँ जाए गरीब आदमी। कोई कहता है यह दारू बेच रहे हैं, कोई कहता है सब्जी बेच रहे हैं, कोई कहता है रोटी बेच रहे हैं, तो आदमी अपना पेट गरीब आदमी कैसे भरेगा। इसके लिए तो कोई साधन चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं गरीब आदमियों के साथ। कोई कारण नहीं है, सिर्फ इस बाजार का जो ऊपर की कमाई है अपने हाथ में लेने के चक्कर के अंदर ये सारे गरीब आदमियों को भूखे मार रहे हैं। 35-40 साल हो गए, हाँ 40-50 साल हो गए, गांव का बाजार है। क्या मांग कर रहे हैं, बाजार लगना चाहिए हमारा, हमारे इस बाजार से रोजी रोटी की रास्ता नहीं बचता है, जो है लोग निकल नहीं, खुला रास्ता रहता है, खुला रहता है, सारा। रुको। देखो ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और ये धक्के देकर मुझे भगा रहे हैं। ये देखिए पूनम भारद्वाज, इनकी शक्ल देखिए, लाइव हो गया। ठीक है पूनम भारद्वाज, ये पूनम भारद्वाज के दफ्तर में इनकी बाइक लेने आए थे और यहाँ पर देखिए इन्होंने गालियां दी हैं पत्रकार को और गालियां देने के बाद बाहर धक्के देकर भगाया है इन्होंने। ये देखिए स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार।